नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हाँ, आपको बता दें कि भारती सिंह इस समय प्रेग्नेंट है, 6 महीने की प्रेग्नेंट है और अप्रैल के महीने में अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। भारती सिंह को लोकप्रियता हासिल हुई, आज भी भारती सिंह को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी कॉमेडी से लोग हंसते हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारती सिंह को भी काफी चीजों से गुजरना पड़ा था। एक समय एक हालात ऐसे थे भारती सिंह के कि जब वो ऑडिशन देने गई तो डायरेक्टर्स ने इतना बुरा बर्ताव उनके साथ किया कि इन सारी चीजों का जिक्र भारती सिंह ने अपने इंटरव्यू में किया है और बताया है कि किस तरीके से डायरेक्टर्स उनके साथ बदतमीजी किया करते थे, कैसे इन सब चीजों से उन्हें डर लगने लगा था, कैसे इस इंडस्ट्री से वो डर गई थी, कैसे भारती सिंह को इतना सब कुछ झेलने के बाद आज लोकप्रियता हासिल हुई है। तो आज इस रिपोर्ट में हम भारती सिंह की जिंदगी की वही अनसुनी बात आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे, जो खुद भारती सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि कैसे इन सब चीजों से भारती सिंह को गुजरना पड़ा। जी हाँ, जिस तरह से डायरेक्टर उनके साथ बर्ताव करते थे उन सब चीजों से भारती सिंह गुजरी और अब भारती सिंह उभर कर बाहर आई है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में आगे आपको बताएंगे कि क्या हुआ था भारती सिंह के साथ। टीवी की दुनिया में कॉमेडियन क्वीन कहे जाने वाली भारती सिंह आज एक जाना माना सितारा है। भारती आज शोहरत के मामले में उन स्टार्स को टक्कर दे रही हैं, जिनके साथ काम करने का मौका लोगों को मिलता नहीं है। वैसे अपने मजाकिया अंदाज और चुलबुलेपन की वजह से भारती तो सबकी फेवरेट है, वो हर महफिल की जान होती है। लेकिन इस दुनिया कि कॉमेडियन क्वीन बनना भारती के लिए इतना आसान नहीं था। गरीबी की उस दलदल से निकलकर माया नगरी मुंबई तक का सफ़र तय करना भारती के लिए भी एक चुनौती थी, लेकिन कॉमेडियन ने हर चुनौती को पार किया है और कामयाबी पाई है। पर क्या आप जानते हैं कि भारती की इस कामयाबी में कॉमेडियन कपिल शर्मा का भी एक बहुत बड़ा हाथ है? और जब भारती पहली बार ऑडिशन देने गई थी तो उन्हें किस बात का डर था? जी हाँ, मनीष पॉल को दिए इंटरव्यू में भारती ने बताया कि कपिल शर्मा मेरे गुरु हैं। मुझे आज भी याद है कि जब कपिल शर्मा भाई का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया था कि अमृतसर के एक 5-स्टार होटल में लाफ्टर चैलेंज के लिए ऑडिशन चल रहे हैं, तो मैं वहाँ जाकर ऑडिशन देकर आऊँ। तो अमृतसर जैसे छोटे शहर में 5-स्टार होटल में ऑडिशन चलने का मतलब होता है डायरेक्टर आपके साथ कुछ गलत करेगा, डायरेक्टर आपको छेड़ने के लिए बुला रहा है। तो मैं अपने 3-4 सहेलियों को साथ लेकर ऑडिशन देने गई थी। उन्हें एक फ़ोन पकड़ा गई थी, मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं 15 मिनट में नीचे ना आऊँ तो तुम लोग पुलिस लेकर ऊपर आ जाना, इससे पहले कि मेरी इज्जत लुट जाए। जब मैं होटल के कमरे में गई तो डायरेक्टर निक्कर और बनियान में बैठा था। उन्हें देखकर मैंने सोचा कि ये तो पूरी तैयारी में है, ये लोग ऐसा ही करते हैं छोटी शहर की लड़कियों के साथ, यानी फिल्मों में सही ही बताते हैं। डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या कर सकती हो, मैंने सोचा कि इसने तो सीधा ही पूछ लिया कि क्या कर सकती हो। मैंने डरते डरते बताया कि मुझे कॉमेडी आती है, मैंने थिएटर किया है, कॉमेडी वाले रोल किए हैं। उन्होंने कहा कि करके दिखाओ, जितना खुलना है खोले। तो मैंने अब तक जितने प्ले किए थे, जितनी कॉमेडी की थी, सब एक साथ करके दिखा दिया। उन्होंने कहा अपना नंबर छोड़ जाओ। इसके बाद 2-3 महीने तक कोई फ़ोन नहीं आया। फिर एक दिन पड़ोसी के फ़ोन पर फ़ोन आया और मुझे बताया गया कि मैं लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई हूँ, मुझे टिकट भेज दी गई है और बस इस तरह मैं मुंबई आ गई। जी हाँ, तो भारती सिंह ने बताया कि पहले भी उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो चुका है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। उन्हें लगा था कि आगे भी वो ऑडिशन देंगी तो उनके साथ इसी तरह का बर्ताव डायरेक्टर्स करेंगे, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। वहीं कॉमेडियन भारती सिंह कभी भी मनोरंजन जगत में होने वाली चीज़ों के बारे में खुलकर बोलने से कतराती नहीं है। अब भारती सिंह ने अपने अतीत की कुछ बुरी घटनाओं के बारे में बात की। भारतीय टेलीविजन के लाफ्टर क्वीन मनीष पॉल के साथ बात करते हुए बताया कि कैसे पहले उन्हें शोज के दौरान गलत तरीके से छुआ जाता था। अभिनेत्री कॉमेडियन भारती सिंह शो में अपनी माँ के साथ जाने के बारे में बात कर रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें समझ में नहीं आता था कि कुछ लोग उन्हें छेड़ते थे। भारती सिंह ने बताया कि कैसे लोग उनकी माँ को आश्वस्त करते थे कि वो उनकी देखभाल करेंगे। ना तो भारती ने और ना ही उसकी माँ ने कभी इन सब हरकतों के बारे में सोचा था। कपिल शर्मा
शो की स्टार भारती बताती हैं कि मेरी माँ मेरे साथ शोज में जाया करती थी। आजकल मैंने देखा है कि पिता अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, लेकिन तब माताएं हमारे साथ आती थीं। लोग कहते हैं कि चिंता मत करो आंटी, हम ध्यान रखेंगे। तब मॉडर्न चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। किसी ने मेरे बैग पर हाथ फेर दिया तो मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे छेड़ा था। मनीष ने जब पूछा कि क्या शो के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, तो भारती सिंह ने बताया कि ऐसा कई बार हुआ है। भारती सिंह बताती हैं कि उनके साथ इस तरह की चीज़ें कई बार हो चुकी है। मुझे पता है ये कि ये अच्छा एहसास नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि वो मेरे अंकल की तरह हैं, वो बुरे नहीं हो सकते। शायद मैं गलत हूँ और वो सही हैं। भारती तब वो सब नहीं समझती थी जो अब वो जानती है। कॉमेडियन भारती का मानना है कि भगवान ने हर महिला को सामने वाले के इरादों को नोटिस करने की शक्ति दी है। जब नियत ठीक नहीं होती तो महिलाएं जानती हैं। तो मैंने सोचा कि ये सही नहीं लगता है मुझे। मनीष तब समझ नहीं थी, अब चीज़ें अलग है। भारती अब वह सब अपने लिए बोल सकती हैं और अपने शरीर अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि वो आगे कहती हैं कि मैं कह सकती हूँ कि क्या बात है, आप क्या देख रहे हैं, बाहर जाओ, हम अब बदल रहे हैं। मैं बोल सकती हूँ, तब मुझ में हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब मुझ में बहुत हिम्मत है। भारती का मानना है कि आजकल के बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चे समझे कि लोगों को ना कैसे कहते हैं, यदि लगता है कुछ सही नहीं है तो। जी हाँ, तो इस तरह की चीज़ें भारती सिंह के साथ पहले भी हो चुकी है। इस बात का जिक्र खुद भारती सिंह ने अपने इंटरव्यू में किया और इंटरव्यू में बताया कि किस तरह की चीज़ें उन्होंने झेली है और अब उन सब चीज़ों से वो कैसे डील करती हैं। तो भारती सिंह ने अपनी ज़िंदगी में जो इतना कुछ झेला है, इतनी दिक्कतों के बाद भारती सिंह अपने जीवन में आगे बढ़ी हैं, इन सब चीज़ों से भारती ने बहुत कुछ सीखा है। भारती सिंह 6 महीने की प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही अप्रैल के महीने में अपने पहले बच्चे को जन्म दे सकती हैं। इस बात की जानकारी भारती सिंह ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से दी थी, अपने ब्लॉग से दी थी और बताया था कि वो प्रेग्नेंट हैं और अप्रैल के महीने में वो माँ बनने वाली हैं। जी हाँ, तो भारती सिंह ने अपने जीवन में जितना कुछ झेला है, इसके बारे में उन्होंने इंटरव्यू में बात की। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि भारती सिंह ने अपने जीवन में कितना कुछ झेला है। भारती सिंह जब ऑडिशन देने गई थी तो किस तरह का बर्ताव डायरेक्टर्स उनके साथ करते थे, इन सब चीज़ों का जिक्र भारती सिंह ने खुद अपने इंटरव्यू में किया है और बताया है कि अपने जीवन में भारती सिंह ने कितना कुछ झेला है। लेकिन अब भारती सिंह को पूरी दुनिया पहचानती है, पूरी दुनिया जानती है। भारती सिंह 6 महीने की प्रेग्नेंट है और अप्रैल के महीने में आपको बता दें कि भारती सिंह अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी। जी हाँ, तो इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।